प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज के अंक में हम बात करेंगे रंगों की। रंगों के प्रयोग से आप अपने भाग्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है जिसका ज्यादा प्रयोग करने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है और किस रंग के प्रयोग से आपको बचना चाहिए, इस विषय पर लग्न के अनुसार आपको जानकारी देंगे। अलग अलग रंगों की ताकत क्या है, खूबियां क्या हैं, ये भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। आगे आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार कौन सा रंग आपके लिए बहुत शुभ है और किस रंग से आपको बचना चाहिए, किस रंग से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके पहले अलग अलग रंगों की विशेषता जानते हैं और अलग अलग रंगों को प्रयोग कैसे करें ये भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग की विशेषता क्या है और इसे कैसे प्रयोग करें। देखिए, लाल रंग जो है वो अत्यंत ऊर्जा का और शक्ति का रंग है, ताकत का रंग है, पावर का रंग है। ज्योतिष में लाल रंग को मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। मंगल और सूर्य से लाल रंग का संबंध होता है। अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं या लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं और ये रंग आपको शुभ परिणाम देता है तो आत्मविश्वास, साहस और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लाल रंग अगर आपको सूट करे तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसके बाद आपका साहस मजबूत होगा और आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाल रंग नुकसान करे तो दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को लाल रंग सूट नहीं करता, ऐसे लोग अगर लाल रंग का प्रयोग करने लगे तो जीवन में दुर्घटनाएं भी होंगी और जीवन में चोट चपेट की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपका मन बहुत जल्दी अशांत होता हो, अगर आपका मन बहुत जल्दी परेशान होता हो तो लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। ये आपके मन को और भी ज्यादा परेशान कर सकता है, आपके मन में और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ा सकता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब दूसरे रंग की बात करते हैं और लाल रंग के बाद जो दूसरा रंग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली रंग है, वो है पीला, येलो कलर। पीले रंग की विशेषता क्या है और इसका प्रयोग क्या है। देखिए, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो पीला रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। पीले रंग का प्रयोग आम तौर पे शुभता के लिए किया जाता है और शुभ कार्यों में पीले रंग का प्रयोग बहुत होता है। आप देखिए, शादी विवाह के समय जो शादी की पत्रिका होती है, कार्ड होती है, उस पर भी पीला रंग लगाते हैं। इसके अलावा शादी में हल्दी का एक समारोह होता है, उसमें भी पीले रंग का प्रयोग होता है। तो पीला रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको बृहस्पति का रंग मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार
पीला रंग बृहस्पति का रंग है। अगर ये रंग अनुकूल हो, अगर ये रंग फेवरेबल हो, तो शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में और ईश्वर के मामले में लाभ होता है। अगर आप पीले रंग का प्रयोग करें और आपको फायदा हो, तो शिक्षा, संतान और धार्मिक मामलों में आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप पीला रंग इस्तेमाल करते हैं और ये आपको नुकसान करे, तो पेट की और दाम्पत्य जीवन की समस्या आ जाती है। यानी पीला रंग अगर नुकसान करेगा तो आपका डाइजेशन चौपट होगा और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। जो लोग स्वभाव से सात्विक ना हो, उन्हें पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्वभाव सात्विक नहीं है, धार्मिक नहीं है, आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, तो पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वरना इस रंग से आपको नुकसान होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।